ठीक है। हरिहरपुर में अभी एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई, क्या है पूरा मामला? थाना कंदरापुर अंतर्गत हरिहरपुर गांव में लगभग शाम को 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि गांव के ही रहने वाले आदर्श मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा, जिनकी उम्र लगभग 23 साल है, इनके सिर में गोली मार के हत्या कर दी गई है। जिसके द्वारा हत्या की गई है उसका नाम गोल्डी और सुशील यादव पुत्र रामनयन यादव, जो इसी गाँव का रहने वाला है। एक अन्य व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था, इसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई है। मौका मुआयना मेरे द्वारा, DIG सर द्वारा किया गया है, परिजनों से वार्ता भी की गई है। ऑलरेडी 2 लोगों को उठा के पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है, परिजनों के द्वारा तहरीर लिखी जा रही है। जो भी तहरीर लिखी जाएगी उस पर 302 का मुकदमा पंजीकृत करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई, इनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनके जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा, और NSA की कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा। हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है और 4 टीमें इसमें गठित की गई हैं सर, संबंधित की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे मेरे द्वारा वार्ता की गई है, उनको ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अराजक तत्व किसी भी प्रकार से वहाँ किसी भी प्रकार का माहौल प्रभावित न कर सके। अभी तक क्या इनपुट निकल के आया है जो हत्या हुई है? अभी तक ये जानकारी है कि 2 लोग जो जिनकी डेथ हुई है प्लस जिसके ऊपर आरोप है जो मुख्य अभियुक्त है, दोनों एक दूसरे से परिचित थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी। घटना का कारण क्या है इसके बारे में परिजनों को जानकारी नहीं है, ये जब हम लोग अभी गिरफ्तार करेंगे पूछताछ करेंगे स्पष्ट हो पाएगा कारण क्या है, लेकिन ये घटना हुई है और पूरी गंभीरता के साथ इसमें बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नज़ीर बने। सर, इसमें और कोई घायल हुआ है? नहीं, कुछ लोग जो वहाँ पे मौजूद थे जो भागदौड़ के दौरान जिनको चोट लगी है, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ बैठे हुए थे, अभी उनमें से 2 लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उनके द्वारा बताया गया है कि जब भागने के दौरान गिरने के दौरान उनको चोटें लगी, उनका इलाज करा दिया गया, नॉर्मल चोट। Thank you.